जी हेलो नमस्कार, स्वागत एक बार फिर से आप सभी का आपके ही अपने हरियाणा मौसम समाचार के इस वीडियो में। जी हां, आप जानेंगे अपने शहर, अपने गांव, अपने कस्बे की मौसम की ताज़ा रिपोर्ट। अगर आप हरियाणा के किसी भी ज़िले से इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो पर एक प्यारा सा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर जरूर करें। अगर आप हरियाणा ज़िले की मौसम की ताज़ा खबर पाना चाहते हैं तो प्लीज़ इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिले। जी हम आपको बता दें, पंजाब में ठंड का ऑरेंज अलर्ट जारी, 2.4 डिग्री पर कांपा हरियाणा का नारनौल शहर। जी हाँ, खबर को जानेंगे विस्तार से। हम आपको बता दें, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में कड़ाके की ठंड जारी है। रविवार को हरियाणा के 3 जिलों हिसार, महेंद्रगढ़ और गुरुग्राम में तापमान 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहा। वहीं रविवार को जहां 0.4 डिग्री के साथ बालसमंद हरियाणा में सबसे ठंडा रहा, वहीं सोमवार को नारनौल का तापमान 2.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पंजाब के 21 जिलों में न्यूनतम तापमान 60 डिग्री से नीचे दर्ज किया गया है और अधिकतम तापमान में ना तो कोई बढ़ोतरी हुई है और ना हुई कोई गिरावट आई। रविवार रात को घना कोहरा छाया रहा, बठिंडा में दृश्यता शून्य रही। पंजाब में सोमवार को भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। सोमवार की सुबह कोहरे के साथ हुई, बठिंडा शहर के कुछ हिस्सों में कोहरे की मोटी परत छाई हुई है जिससे दृश्यता कम हो गई है। मौसम विभाग के अनुसार रात 11:30 बजे बठिंडा में दृश्यता 0 मीटर दर्ज की गई। वहीं राजस्थान से सटा होने के कारण बालसमंद में भी रेत के टीले हैं और यह शुष्क एरिया है। हरियाणा की सीमा से लगते राजस्थान के जिलों में तापमान कम या ज़्यादा होता है तो इसका असर हिसार जिले में पड़ता है। रविवार को चूरू में न्यूनतम तापमान -0.5 डिग्री सेल्सियस तो इसे सटे बालसमंद में 0.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इससे पहले बालासमंद में साल 2013 में 6 जनवरी को पारा लुढ़ककर -1.1 डिग्री सेल्सियस चला गया था। साल 2021 में 1 जनवरी को -1.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। वहीं मंगलवार से कोहरे में आएगी थोड़ा कमी। मौसम विभाग का कहना है कि मंगलवार से घने कोहरे में कमी आएगी और दिन के तापमान में बढ़ोतरी होगी। वहीं पंजाब में 11 और 12 को बारिश की संभावना जताई गई है। रविवार को पंजाब में रोपड़ का न्यूनतम तापमान 3.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अमृतसर 6.6, बठिंडा 3.4, चंडीगढ़ 4.5, वहीं जालंधर 6.3, लुधियाना में 5.3, पठानकोट में 6.6 और पटियाला में न्यूनतम तापमान 4.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं अगले 2 दिन के मौसम का पूर्वानुमान जारी किया गया है। सोमवार को अधिकतम तापमान 13 और न्यूनतम तापमान 6 डिग्री रहने की संभावना है। वहीं हम आपको बता दें, हालांकि दिन के समय मौसम साफ रहेगा, अधिकतम तापमान 14 और न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। वहीं बुधवार को भी सुबह और रात के समय धुंध पड़ने की आशंका है, दिन के समय हल्के बादल छाए रहेंगे, अधिकतम तापमान 14 और न्यूनतम तापमान 60 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना बनी हुई है। जी हां, यदि हरियाणा से जुड़ी हुई मौसम की ताज़ा अपडेट। मिलते हैं आप सभी को अगली वीडियो में, तब तक इस यूट्यूब चैनल के साथ लगातार जुड़े रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिले। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।